हरिद्वार में प्रस्तावित पॉड टैक्सी योजना का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हरिद्वार के मुख्य बाजार में इकट्ठा हुए शहर व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है पॉड टैक्सी का प्रस्तावित रूट हरिद्वार के व्यापार के लिए हानिकारक होगा, इसलिए प्रोजेक्ट का रूट बदल कर नया रूट बनाना चाहिए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और कोर्ट की भी शरण लेंगे। नदीम सलमानी, विरुद्ध हरिद्वार। इसका यह है कि जो पोर्ट टैक्सी आ रही है इसका स्वरूप का विरोध है, किसी योजना का विरोध नहीं है। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है सरकार के नुमाइंदों से, सरकार से, कि अगर इसका विरोध होगा 100% अगर इसका स्वरूप नहीं बदला गया, इसकी योजना को नहीं बदला गया। हमारा कहना है पोर्ट टैक्सी लाओ, कॉरिडोर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन हरिद्वार के व्यापारी का सर्वोपरि हित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक ले जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये धरना प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और योजना आयोग में भी जाएंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं किसी योजना का, व्यापार मंडल द्वारा किसी योजना का विरोध नहीं किया जा रहा, विरोध हो रहा है रूट का, विरोध हो रहा है मार्ग का। हमने ये कहा सीतापुर से या कहीं से भी आपका ये पोर्ट टैक्सी शुरू हो रही है, आप इसको गंगा के किनारे किनारे सप्तऋषि तक या शांति कुंज तक गंगा के किनारे किनारे ले जाओ, जिससे यात्रियों को वहाँ पर जो है व्यू भी देखने को मिलेगा पहाड़ का और गंगा का व्यू भी देखने को मिलेगा। रूट चेंज किया जाए, हमारी मांग है रूट चेंज किया जाए। अगर इस मांग पर जल्दी ही कोई निर्णय ना लिया गया तो ये जो धरने प्रदर्शन है ये हमारे और दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। देखेंगे, कोर्ट का भी हमारा विचार बन रहा है, हमने कोर कमेटी बुलाई है और सर्वदलीय बैठक बुलाने का जल्दी ही पुनः विचार हो रहा है।